पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। ममता के गढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी की है। टीएमसी विधायक शुभ्रांशु राय और तुषार कांति भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में टीएमसी के दो विधायकों के साथ साथ सीपीएम विधायक देवेंद्र राय ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। टीएमसी से हाल ही में सस्पेंड हुए शुभ्रांशु राय मुकुल राय के बेटे हैं। मुकुल राय एक वक्त में सीएम ममता बनर्जी के बेहद खास थे, लेकिन रिश्ते बिगड़ने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम ममता पर हमला बोलते हुए मुकुल राय ने दावा किया है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगी। बंगाल के आम जनता अभी डिसीजन ले लिया है, वो लोग भाजपा का साथ रहेगा। तृणमूल कांग्रेस अपोजिशन पार्टी का स्टेटस मिलेगा नहीं। कितने बजे जाना बीजेपी? 100 विधायक तो जाएंगे। तीन विधायकों के अलावा बंगाल के 50 से ज्यादा पार्षद भी बीजेपी में शामिल हो गए। इन पार्षदों की बड़ी संख्या टीएमसी पार्षदों की है। किश्तों में लाएंगे, एक साथ 40 थोड़ी करेंगे, मतलब ले आएंगे किश्तों में, 80 भी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि टीएमसी के 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं। आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है, आज भी। बंगाल में बीजेपी लगातार पैठ बनाने में जुटी है। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट में से बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। 2014 में बीजेपी को 2 सीटें और ममता ने 34 सीटें जीती थी। कई नगर निगमों पर भी बीजेपी ने कब्जा किया है। टीएमसी बीजेपी पर कई विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बंगाल में टीएमसी का तिलिस्म टूटा है। दिल्ली से मोहम्मद इमरान खान और कोलकाता से दिलीप गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।